नेक्स्ट टीम है टीम पिशावर। आइए ईद में सबसे ज्यादा खुशी मैंने सुना है आमना को होती, पहले तो ईद मुबारक। कैसे हो भाई? ये तुम्हें क्या कह रहे हैं ईद मुबारक मसरूर, कैसे हो? ये क्या कह रहा है दूल्हा दूल्हा? सर मुझे नहीं लगता कि इसके नसीब में है ये वर्ड दूल्हा, नहीं तो ये इसलिए दूसरे क्या बात करो, मैं जाऊंगा इसकी शादी में, क्या बात कर दी है। मान ही नहीं रहा सर, हमने बहुत कोशिश की है। हाँ। हम चाह रहे हैं हमसे पहले बनाइए, लेकिन ये जनाब मान के नहीं दे रहे। ये नहीं मान रहा या कोई और नहीं मान रहा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोच रहे तो आमना कैसी हो आमना, ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। सुने गाय भी गिराई, बकरा भी गिराया, दुम्बा भी गिराया। जी बिल्कुल। क्या बात है, इतना प्यार है तुम्हें जानवरों से। मुझे भी बड़ा प्यार है, लेकिन अब मुझे उतना टाइम नहीं मिलता यार कि मैं जाऊँ गाय मंडी और जाके गाय वगैरह खरीद के लाऊं, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो फिर होगा ये, अरे फिर गाय और बकरों को छोड़ के सब यू नो सेल्फीज वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ है भाई आमना, ऐसा है? अच्छा ठीक है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था कि मेरे घर में जो गाय और बकरे मैं बोलूं आमना, जरा आके बेटे देख लो जरा, ऐसा तो नहीं है? मैंने सुना है बड़ा शौक है तुम्हें जानवर वगैरह पालने का, और बड़ा ख्याल रखती हो तुम उनका सर, ये बहुत अच्छी बात होती है। चांद रात में ना पूरे टाइम ये बाड़े में बैठी रही है अपने दुम्बे के पास, अपने घर के नीचे, वही मतलब जहाँ पे इसने सामान रखा हुआ होगा ना। ओके ओके, वहीं बैठी रही है। इसको छोटा बाड़ा कहते हैं ना, छोटे बाड़े में बैठी रही तुम। अच्छा, तो ये इसी में बैठी रही है और कह रही थी जब तक मैं इसको अपने हाथों से जिबा नहीं करूंगी, छुरी अपने हाथ से फेरूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। असल में दुम्बे की पहली कुर्बानी मैंने करी है इस बार ना, पहली दफा, तो बाकी ये तक गाय वगैरह तो अच्छा छुरी फेरी थी। जिस तरह कुर्बानी करने का हुक्म है ना, वो एग्जैक्टली यही है कि जो आप जानवर लेकर आओ उससे आपको इतनी उनसियत हो जाए कि जब आप उसको ज़िबा करने जा रहे हो तो आपको अफसोस होना चाहिए। अच्छा जब मैं छोटा था तो जब भी बकरा वगैरह हमारे घर पे आता था तो मैं भी एग्जैक्टली उसका इसी तरह ख्याल रखता था। कई दफ़ा तो ऐसा होता था मैं कहता बाहर नहीं सोएगा, मैं अपना बिस्तर ले जाके कहीं पर ऐसी जगह रखा करता था जहाँ पर बकरा मुझे नज़र आए और वो मुझे देखता रहा, मैं उसको देखता रहा। लेकिन ये बचपन की बातें होती हैं, आई एम श्योर आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो ख्याल रखते होंगे, लेकिन ख्याल रखना ही असल चीज़ है, अपने जानवरों का सही तरह से ख्याल रखना चाहिए। दुख भी अलग होता है, रोना भी अलग आता है। हाँ मुझे पता है, मैंने सुना है बड़ा रोई है, बड़ी वीडियोज वगैरह आई है रोते हुए। नहीं नहीं चलिए खैर, आमना पूछना ये है कि तैयारी है या तुम लोग सिर्फ तैयार होकर आए हो भाई? सर तैयारी तो ऐसी है, छोड़ तुमने छोड़ना नहीं है किसी को नहीं। और ₹1,00,000 कैश है, जो भी टीम थर्ड है ईद के तीसरे दिन जीत के जाएगी। असल में ₹1,00,000 कैश जीतना इतना जरूरी है क्योंकि ये कह रही थी मुझे अपना पुराना बेच के ना नया फोन लेना है, तो ये जीतना बहुत जरूरी है। तुम क्या इसको सारे ₹1,00,000 दे दोगे? तो मैं सोच रहा हूँ दे दूँ। अच्छा मसरूर कैसे हो भाई, तुम पहले ही बताओ। सर, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। असल में तुम लोग जब भी आते हो अपनी अपनी जर्सीज में आते हो, जब भी तुम लोग इस तरह तैयार होकर आते हो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हो सब लोग। आप कैसे सर? अच्छा बताओ पहले के अभी ईद की जो जो हो गई तुम्हारी कुर्बानी, उसमें तुमने क्या किया? गोश्त लेकर आए, कुछ खाना बनाया, किया क्या तुमने उसका? सर हम लोग गाय करते हैं अपनी खुद की, बस भाई बांटना होता है गोश्त, सारा जिम्मेदारी मेरे पर आती है। ये कि सुबह सुबह कलेजी खाने का शौक है मुझे, सबसे पहले ईद होती है सबसे पहले कलेजी खानी है। यार कलेजी खाने का शौक है। सर आप क्या कर रही है? हाँ सर हम लोग भी गाय काट के आए, कसम से ऐसे बोले इसने। वो तो बेचारी बच्ची बैठी हुई है यार। अच्छा तुम थे वो? हाँ तो बस सर उसके बाद फिर मतलब मुझे अब जरनाम में भी लाली नजर आता है, ऐसा क्या हो गया? अच्छा खैर आधे से ज्यादा बच्चों का जितने भी होते हैं मेरे ख्याल से 80% पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी सुबह इसी तरह गुजरती है, उठते हैं नमाज पढ़ने जाते हैं, शीर खोरमा खाते हैं, उसके बाद फौरन जाना होता है अपने गाय गिराने, और सबसे पहले करना होता है कसाई को। आजकल सबसे जो मुश्किल तरीन चीज़ है वो सुबह कसाई को पकड़ना है कि भाई प्लीज़ यार प्लीज़ हमारी गाय पहले काट दो यार। नखरे होते हैं, क्या बात कर रही हो? सर कसाई सेलिब्रिटी हो गए। हाँ जी सेलिब्रिटी भी हो गए हैं मेरे ख्याल से ईद के मौके पर, लेकिन सर सबसे पहले गाय हमारी कटती, हम एक दिन पहले नंबर दे देते हैं। लेकिन चलो सही है यार, उनका सीजन आता है जी सर, का भी यही सीजन। अक्सर मैंने देखा है सर, जो अक्सर जो ना 12 महीने मुर्गी काट रहे होते हैं ना, वो ईद वाले दिन कसाई बने हुए गाय काट रहे होते। नहीं हमने तो कभी ऐसे कसाई से नहीं कटवाई, हमारा तो कोई खानदानी एक है आदमी, हम उसी को बुलाते हैं और वही काट के जाता है हमेशा तकरीबन। तो खैर वेलकम करता हूँ तुम्हें अपने शो में, आओ प्लीज बैठो, हैव सीट्स, बैठिएगा, ये है टीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।